हेलो गाइस, तो आज हम ट्राई करने वाले हैं माइनक्राफ्ट के कुछ बिल्ड हैक्स। तो गाइस पहले एक देखते हैं, यहाँ पे दो गड्ढे कर दिए, नीचे एक ट्रैप डोर लगा दिया, यहाँ पे लगा दी डिस्पेंसर, उसको ढक दिया, यहाँ पे लगा दी एक एंड रॉड और उसके अंदर डाले स्नेक। ओ यहाँ पे एक आर्मर स्टैंड डाल दिया उसको, उसके मतलब यहाँ पे क्या है, स्केलेटन हेड लगा दिया और उसके ऊपर लीव और यहाँ पे पानी डाल दिया उसने और उसके ऊपर एक काफी बढ़िया से उसने वो लगा रखा है। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं फिर हम। तो ऑलराइट मैं आ चुका हूँ अपने वर्ल्ड में, देखते हैं चलो जो उसने बनाया था उसको हम यहाँ ट्राई करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या क्या चाहिए, हमें कुछ जो जो सामान चाहिए उसको मैं निकाल लेता हूँ। पहला चाहिए हमें ट्रैप डोर। ऑलराइट गाइस, जो जो उसने सारा सामान रखा था मैंने यहाँ निकाल लिया, तो देखते बना के देखते क्या इस बिल्ड सही में काम करता ही नहीं। जिसने दो गड्ढे करे थे लगा दिया हमने यहाँ ट्रैप डोर, उसके बाद यहाँ पे हम लगा देंगे एक डिस्पेंसर और अरे एक और चीज़ रह गई, क्या कहते हैं स्टैंड, ये रहा हमारा आर्मर स्टैंड। और अरे आर्मर स्टैंड फिर निकल गया, कहाँ गया आर्मर स्टैंड। तो गाइस ये रहा हमारा आर्मर स्टैंड और इसके अंदर हम रख देंगे एक आर्मर स्टैंड और उसके बाद यहाँ पे इसको हम ग्रास ब्लॉक से ढक देंगे, ये कवर हो जाए भाई। ग्रास ब्लॉक से ढकने के बाद यहाँ पे लगा दो एक एंड्रॉड, एंड्रॉड लगाने के बाद यहाँ पे हम लगा देंगे इसके ऊपर एक रेस्ट, अरे रेड स्टोन इसके ऊपर रखेंगे, ये लो रख दिया रेड स्टोन। और अब यहाँ से इस रेड स्टोन को तोड़ दो। अब हमारे पास चाहिए हमको एक स्केलेटन हेड, इसको यहाँ रख देंगे, ये मस्त स्केलेटन हेड भी आ चुका है, इसको हटा दो यहाँ से, अब इसका काम खत्म, ये हो गया। इसके ऊपर आ जाएगी हमारी एक लीव्स, ओहो मस्त लग रही है लीव्स का, मैं जरा इसके अंदर पानी भी तो भर दें। और उसके बाद अब हमें चाहिए एक वाइट कारपेट, तो इसके ऊपर लगा देंगे हम वाइट कारपेट, ये अब मैं जरा रुक जाऊँ, मैं लीव्स के पहले मैं थोड़े टेक्सचर चेंज कर दूँ। तो गाइस देखने में ये अब काफी बढ़िया सा लग रहा है, क्या मस्त बिल्ड हैक था ये, और शेडर में सबको और भी बढ़िया लग रहा है ये देखने में। तो गाइस अगला हैक देखते हैं कौन सा हैक है हमारा। तो गाइस अगला हैक ट्राई देखते हैं हम, ये अगला हैक कौन सा, इसने यहाँ पे दो तीन गड्ढे करने के बाद यहाँ पे काफी सारी स्नो लगा रहा है, स्नो लगाने के बाद इसने इसको ढक दिया, फिर यहाँ पे चैश रख दी, चैश रखने के बाद फिर एक डिस्पेंसर, फिर रख दिया इसने यहाँ पे रख देते हैं एक, और उसके बाद आर्मर स्टैंड रखने के बाद यहाँ पे इसने आर्मर स्टैंड के ऊपर एक गोल्डन हेलमेट पहना दिया उसको, और इसको खोल कर देखता है तो ओ वाओ कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। तो गाइस अगला हैक जो हम ट्राई करने वाले, जो हमने देखा था कि उस चेस के अंदर एक मस्त सा आर्मर मतलब गोल्डन गोल्डन दिख रहा था, क्या ये हैक सही में काम करता है। इसको दो हॉल कर दिया यहाँ पे, इसको हम फटाफट से यहाँ पे भर देंगे, और ये यहाँ पे काफी सारी स्नो, स्नो भरने के बाद यहाँ पे लगा दो इसके ऊपर एक और स्टोन, यहाँ पे लग दिया हमने चेस, जो चेस एकदम खाली है। इस चेस के आगे यहाँ पे रखेंगे हम एक डिस्पेंसर, तो ये आ गया हमारा एक डिस्पेंसर, चलो अरे डिस्पेंसर गलत रख दिया यहाँ पे। तो ये गाइस हमारे यहाँ डिस्पेंसर भी आ चुका है, डिस्पेंसर में हम डाल देंगे आर्मर स्टैंड को, स्टैंड डालने के बाद यहाँ पे लगा दो एक रेड स्टोन का बॉक्स, तो यहाँ पे हमारा जो है चला गया है हमारा स्टैंड आर्मर का, और उसके बाद यहाँ पे आ गया हमारा ये रहा गोल्डन हेलमेट, और अब इसके बाद हम इसको पहना देते हैं गोल्डन हेलमेट को। तो इसने गोल्डन हेलमेट भी पहन लिया, तो क्या ये अब ये वर्क करेगा इसकी तरह कि नहीं, और गाइस देखो 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 मस्त लग रहा है देखो। लेकिन अगर मैं चेस्ट को खोलता हूँ, हाँ हाँ एकदम बढ़िया देखो, बट यार इसमें ना एक मिनट इसको मैं जरा कवर कर दूँ, ये देखो एकदम मस्त लग रहा है, एक मिनट इसको चेस्ट को खुला रखने का कोई तरीका होगा। गाइस ऐसे देखने में तो बढ़िया लग रहा है, लेकिन चेस्ट को खुला रखने का कोई तरीका हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। कि देखो मस्त लग रहा है यहाँ पे, ऐसे लग रहा है कि इस चेस्ट के अंदर काफी सारा गोल्ड ही गोल्ड भरा हुआ है, एकदम बढ़िया हैक है ये भी बिल्ड हैक। तो गाइस अगला हैक देखने वाले हम कौन सा हैक है अगला हमारा, और फिर उसको फिर हम ट्राई करेंगे। तो गाइस अगला हैक है हमारा बी, तो यहाँ पे एक ये मधुमक्खी बना रहा है, यहाँ पे इसने काफी सारे मस्त अलग अलग कलर के यहाँ पे ब्लॉक्स लगा रहा है, और यहाँ पे कुछ ट्रैप डोर और ये मोमबत्ती है शायद, हाँ मोमबत्ती लगाने के बाद ओ मस्त एकदम हनी भी लग रही है। ओ ये यहाँ पे ट्रैप डोर लगाए और ये एक तो पूरी मधुमक्खी बन चुकी है यहाँ पे, क्या मस्त लग रही है एकदम बढ़िया सी मधुमक्खी। ऑलराइट गाइस अब हम अगला हैक ट्रैक करने वाले हैं, जो हमने हैक देखा था जो मधुमक्खी का, क्या हम भी मधुमक्खी बना सकते हैं। तो फटाफट चलते एक दो तीन चार ब्लॉक ऊपर, हाँ इतना ऊपर बहुत होगा नहीं, थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ, एक ब्लॉक और ऊपर करेंगे, इलो यहाँ पे बनेगी हमारी मधुमक्खी, चलो नीचे का सारे ब्लॉक हट जाओ, तुम भी हटो फटाफट से यहाँ पे। के बाद यहाँ पे हम लगाएंगे, किधर रखते हैं इसका फेस, हाँ इधर रखते हैं इसका फेस, तो एक यहाँ पे येलो कंक्रीट, उसके बाद एक और येलो कंक्रीट। अब आ जाते हैं हम उसके पीछे की पूंछ बनाएंगे पहले, तो सबसे पहले ये लो भाई पीछे की बन गई पूंछ। अब आ जाते हैं हम आइटम फ्रेम पे, ये लो हमारा आइटम फ्रेम आ गया, इसके अंदर आ गया एक ग्लास, तो इसका बन गया हमारा फेस। अब फेस बनाने के बाद इसके बाद हमें चाहिए ट्रैप डोर, और एक ट्रैप डोर लगा दो यहाँ पे खोलते हुए, और एक ट्रैप डोर लगा दो यहाँ पे, और इसको भी खोल दो, अरे उल्टे लग गए,
कोई बात नहीं, अब इसको दोबारा लगा देंगे ट्रैप डोरों को। लो भाई चलो खुल जाओ ट्रैप डोर। और एक यहाँ पे बीच में नहीं, यहाँ पे आ जा और ये खुल गया मस्त। यहाँ पे ट्रैप डोर भी लग गया हमारा। अब आ जाते हैं हम इसके पंख बनाते हैं। तो पंख के लिए यहाँ पे लगाएंगे हम तो एक, और इसके ऊपर एक और ट्रैप डोर, और उसके बाद इस साइड में एक, अरे दो ट्रैप डोर हो चुके हैं। अब आएंगे मधुमक्खी के कान। तो कान के लिए यहाँ पे बटन बना देंगे हम, यहाँ पे एक बटन, यहाँ पे एक और बटन, और इसके ऊपर सर में एक छोटी सी कैंडल लगा दो, एक दो तीन, ये वाओ मस्त एकदम। अब इसको सिनेमेटिक में देखते हैं गाइस, देखो क्या मस्त मधुमक्खी सी लग रही है यहाँ पे, बढ़िया सी। देख रहे हो आप क्या एकदम बढ़िया सा, यहाँ पे ये भी हमारा एक बढ़िया सा बिल्ड है, क्या मस्त मधुमक्खी सी लग रही है हमारी, देखने में काफी बढ़िया है। और यहाँ पे मेरे वर्ल्ड में बारिश भी होने लग गई। तो गाइस फिर से अगला एक ट्राई करते हैं हम, क्या इससे अच्छा एक बनेगा। आज हमने देखे तीन हैक, एक हैक और हम ट्राई करेंगे फटाफट से। तो गाइस अगला हैक है हमारा मिनी टैंक। तो देखते हैं इसने मिनी टैंक को कैसे बनाया। यहाँ पे एक वो डीप स्लेट के ब्लॉक से यहाँ पे रखा, उसके बाद तीन आइंटा फ्रेम, तीनों में एक बढ़िया बढ़िया से ब्लैक ब्लैक ग्लास लगा दिया इसने, और साइड मुझे लगता है इधर भी यहीं कर देगा ब्लैक ब्लैक ग्लास, थोड़े टेढ़े करके इसने लगाए हैं। उसके ऊपर यहाँ पे एक स्टोन लगा दिया है प्रिज्मेरिन का, और यहाँ पे लगा दिया है मस्त। अरे वाह क्या बढ़िया सा लग रहा है यहाँ पे देखने में। तो गाइस चलिए हम भी इसको बना के ट्राई करते हैं। तो गाइस देखो अगला है कि हम ट्राई करने वाले हैं, यहाँ पे हम बनाने वाले एक टैंक। तो फटाफट से उसने कैसे बनाया था टैंक, हाँ इधर की तरफ को बनाएंगे। तो यहाँ पे लगा दो एक डीप स्लेट, और उसके बाद यहाँ पे ऐसे करेंगे, उसके बाद इधर से, अरे ऊपर को नहीं दोस्त नीचे आ जा, और उसके ऊपर लगा देते हैं हम यहाँ पे एक, यहाँ पे ये लो स्लैब भी लग गया यहाँ पे हमारा, और ये स्लैब के बाद ये लग गई इसकी तोप की निशानी। और यहाँ पे लगा देते हैं आइटम फ्रेम, यहाँ पे भी आइटम फ्रेम, और यहाँ पे भी आइटम फ्रेम, और उसके बाद इधर भी आइटम फ्रेम, आइटम फ्रेम, आइटम फ्रेम, और यहाँ पे लगा दो ग्लास ग्लास और ग्लास, गलत लग गया ये ग्लास, और यहाँ पे ये बटन टूट भी गया है। तो एक काम करते हैं, ओ आइटम फ्रेम उधर के भी निकले, चलो कोई दिक्कत नहीं है, अभी लग जाएगा ये लगा दो यहाँ पे, यहाँ पे आइटम फ्रेम और ग्लास तो लगा देंगे हम यहाँ पे, ये आ गया हमारा। लो भाई यहाँ पे भी हमने ग्लास लगा दिया, और इसमें भी ग्लास, इसमें भी ग्लास, इसको भी घुमा दो, यहाँ पे भी आइटम फ्रेम और इसमें भी ग्लास, इसको भी घुमा दो, हाँ बढ़िया मस्त ये पहिए बन गए इसके। और इसको भी घुमाएंगे हम, इसको भी घुमाएंगे, और ये आइटम फ्रेम फिर निकल गई, चलो दोबारा लगाने पड़ेगी। ये लगा दिया आइटम फ्रेम, ग्लास पहिए घुमा दो, और यहाँ पे ये बन चुका है एकदम बढ़िया से हमारा बुलेट टैंक बन चुका है, एकदम कार्गो वाला टैंक लग रहा है, बढ़िया से एकदम बढ़िया से टैंक लग रहा है गाइस ये भी। और हमने यहाँ पे बनाया एक ग्लोब, और यहाँ पे एक बनाया हमने मधुमक्खी, जो एक सबसे बढ़िया मुझे हमारी एक आज के हैक्स में बिल्ड हैक में मधुमक्खी लगी। और ये मस्त यहाँ पे ऐसा लग रहा है ऊपर से देखने में गाइस मस्त लग रहा है, यहाँ पे गोल्ड गोल्ड होगा। और इसको चेस्ट को हम खोलते हैं, तो लेकिन चेस्ट थोड़ी देर के लिए खुलती है, फिर तब हमको गोल्ड दिखता है। तो गाइस यही था आज के हमारे कुछ छोटे से बिल्ड हैक। तो आप लोग हमें कमेंट में बताना कि ये बिल्ड हैक आपको कैसे लगे। तो गाइस अगर आपको आज के बिल्ड हैक अच्छे लगे तो वीडियो एक लाइक कर देना, और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो में, तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। Always do it on my own, so I gotta get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing, never get